मैं तो मालूमात करूंगा इसके बारे में कि ये कहीं मिलती है, तो मैं तो किसी भी टाइम लेके मज़े करूंगा। आपने ब्राउनी के बारे में सुना है? ब्राउनी यार, नाम तो सुना है लेकिन याद नहीं है मुझे। वो तो नहीं ब्राउन कलर का मीठा मीठा सा कुछ? जी सर, वही चीज है। ये ना मैंने आपको ब्राउनी 2 साल पहले खिलाई थी इसी टेबल पर। दरअसल 2 साल पहले इस टेबल पर आपने तो इतनी चीज़ें खिलाई है कि 2 साल पहले की चीज़ मुझे कहाँ याद रहेगी। ब्राउनी ट्राई कराऊंगा, ये यूनाइटेड स्टेट में ना बहुत मकबूल है। ओहो, मतलब उधर की इतनी मकबूल है, वहाँ की तो यार जो चीज़ हो तो मकबूल ही हो जाती है। वैसे तो कल मैंने क्या खाया ये भी मुझे याद नहीं। यार ये ब्रोनी है या ड्रोनी है? ये दिखने में तो केक की तरह आ रहा है यार मुझे। अच्छा, ये इसके साथ दूध क्यों है? ये इसके साथ आप खा सकते हैं इसके साथ। अच्छा, क्यों वैसे ये मसला करेगी? अरे यार, ये बिल्कुल बिल्कुल सही याद आया ये। वाह, खुशबू तो बड़ी मक्खन की आ रही है। बिल्कुल यही चीज़ मैंने खाई थी, याद आया मुझे। ओहो, तो ये है अमेरिका की खास सौगात। सौगात क्या होता है? सौगात यानी के खास जगह की कोई खास चीज होती है ना, उसको कहते हैं कि सौगात। ओह वाह वाह भाई, दूध के साथ तो मजा आया सौगात। यार वैसे अमेरिका वाले जो है ना, बड़ी नायाब नायाब चीज़ें खाते हैं। अब ये देखें, ऊपर से ऐसा सख्त है और अंदर से बिल्कुल मुलायम नरम सा है। यार इसकी शेप तो बड़ा प्यारा है यार, ऐसे कटिंग तो ऐसे हुई हुई है जैसे कि मतलब दर्जी कटिंग करता है ना, बिल्कुल ऐसे लेवल में सीधा सीधा। अच्छा, पूरी दुनिया ने खा ली और हमने अभी खाई है। ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अमेरिका की तो 50 रियासतें हैं, तो ये ब्राउनी किस रियासत की मतलब चॉइस है, यानी किस रियासत वाले बड़े शौक से खाते हैं? क्योंकि अगर हमारे यहाँ मिलती ना, तो मेरा ख्याल हमारे यहाँ की जो रियासत है ना, उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त और मशहूर हो जाती। यार बिरयानी तो वाकई ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की है यार, और ये चॉकलेट फ्लेवर में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यार अमेरिका वालों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसकी जोड़ीदार कोई और भी है? जी सर, इसका ना एक और भी वजन बना जाता है, जैसे ये केक ही है, इस तरह फजी होती है, फजी ये गीली गीली होती है। फजी या सजी? फजी फजी यार, तो मैं तो वो भी ट्राई करना चाहता हूँ ना। वैसे इस तरह का जो है ना, हमारे यहाँ तो पेस्ट्री मिलती है जिस पे ब्लैक कलर की क्रीम होती है या वाइट कलर की यानी सफ़ेद क्रीम, लेकिन इस पे ये एक मुनफरद मतलब एक वो खुरदरापन दिया हुआ है, यानी ऐसी क्रीम लगाई है लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार है, यानी उनसे बहुत ही मुख्तलिफ मुनफरद है। वैसे आम दूसरी चॉकलेट खाओ ना, तो अंदर गले में जो है ना कड़वापन आता है, इससे कड़वापन नहीं आ रहा बल्कि एक जायका आ रहा है मज़े का। या वैसे हम लोग ना सुबह सुबह क्या करते हैं, बिस्किट जो है ना चाय में डुबो के खाते हैं, तो इसको भी मैं डुबो के खाता हूँ। ओह वाह यार, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आया यार इसको आगे। वैसे एक बात है, ये काम आपने ज़बरदस्त किया कि इसके साथ मुझे दूध दिया। दूध के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और मतलब भलक से भी मज़े से उतर रहा है, यानी इतना जायका आ रहा है इसमें। मज़े का मीठा यार, बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे लिए तो डबल मज़े का, क्योंकि मेरे लिए तो मीठा तो और अच्छा है। वैसे ये मतलब बच्चों के ना मतलब की चीज़ है, मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर कोई क्रीम वगैरह लगा हुआ होता ना, थोड़ा तो ये गीला गीला होता तो और मज़ा आता। सही है, ऐसा भी है, सही है, मेरे ख्याल से ना मज़ा तो ऐसे भी है। मलाया सर, आज आपको ये ब्राउनी खा कर अमेरिका। यार वाकई इस ब्राउनी ने तो मेरा दिल जीत लिया, और इस तरह की अगर और मज़ीद ब्राउनियाँ हैं किसी और शक्ल में तो वो भी हमें ज़रूर बताना, ताकि वो भी मज़े लेकर हम खाएं। दुकान में या किसी होटल में, या मतलब ऐसे हमारे यहाँ जैसे कि मिठाई की दुकान होती है तो मीठा वहाँ मिलता है,
अब इसका मुझे नहीं पता तो ना, ये अमेरिका में जो ये कॉफी शॉप्स या फिर आइसक्रीम शॉप वगैरह होती है ना, वहाँ पे इजीली मिलता है यार। इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई हुई है ये चीज है यार। मतलब ये और भी फ्लेवर या नहीं सिर्फ चॉकलेट? इसमें सर फ्लेवर तो ये ज्यादा चॉकलेट में आती है ब्राउनी। अच्छा। इसमें ये केक ही है, इसके अलावा फजी ब्राउनी भी आती है। अच्छा जी, वो भी आपको ट्राई करवाएंगे बहुत जल्द। चलो वो तो फिर और मजा आ जाएगा।